अभिषेक, मैं गाजियाबाद से हूँ, उत्तर प्रदेश, और मैं अजमेर ड्राइविंग सेंटर में हूँ, और मैं टाटा 407 का इंजन बोनेट खोला हुआ है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये रेडिएटर है, अपर टैंक, नीचे लोअर टैंक, ये रेडिएटर कैप, ये होज पाइप है जो हमारा कूलेंट से जुड़ा हुआ है जी सर, और इसमें ये है मास्क या एयर फिल्टर जिसमें एयर जाएगी, और इसके एक पास में दिया हुआ है एयर इंडिकेटर, आप दिखाइए इधर, ये जो इसमें कुछ दिक्कत आ जाएगी उसमें फिर ये इंडिकेट करेगा रेड कलर में, लाल रंग में इंडिकेट करके बताएगा, कलर चेंज कर रेड कलर जी। और ये है हमारा वाइपर पानी, वाइपर वाटर टैंक, कितना लीटर पानी आता है? 1 लीटर, 1.5 लीटर। और ये हमारा कूलेंट टैंक रिजर्व टैंक है, और ये हमारा ब्रेक ऑयल टैंक है, और ये इसमें मास्टर सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ये मास्टर है, और ये हमारा क्लीचे ऑयल है। और इधर आ जाइए साहब, मैं अंदर का बताता हूँ, ये हमारा इंजन का टेपिट कवर है, ये ऑयल फिल्टर कैप, ऑयल कैप है, और ये मोटर लगी हुई है वाइपर की। मैं और आपको डिटेल में देना चाहूँगा, इसमें पंखा लगा हुआ है, रेडिएटर फैन है, फैन पुली है नीचे लगी हुई, और आप देखें नीचे तक दिखाइए तो वाटर बॉडी लगी हुई है उसके अंदर, ये कैमशाफ्ट से जुड़ी हुई है, नीचे क्रैंकशाफ्ट है जो वाटर जैकेट में पानी सप्लाई करती है। और आप वहाँ पे दिखाइए एक बार, वे ऑयल फिल्टर है, उसको डीजल फिल्टर बोलते हैं, डीजल फिल्टर, और वो फिल्टर ये होता है जैसे फीड पंप नहीं होता उस तरह काम करता है, जैसे अपनी गाड़ी में कोई भी एयर वगैरह, एंड प्राइमिंग पंप, ये मतलब दो तरीके के पंपिंग करके निकालते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी पे हमारा हैंड पंप लगा हुआ है जो हमें प्रेशर प्रोवाइड करता है, किसी कारणवश उसमें दिक्कत आ जाए ऑयल, पहला जो ऑयल फिल्टर होता है वो ड्राई वाला होता है, और वो दूसरा वो नमदा का बना होता है। और मैं आपको आगे बताना चाहूँगा, ये हमारी फ्रंट शो है, इसमें ये लाइट के बारे में जी, ये फ्रंट शो और ये फ्रंट लाइट है हमारी, फ्रंट लाइट जी, अच्छा फ्रंट हेडलाइट, इसको ऐसा ऐसा क्यों बनाते हैं? अवतल लेंस लगा हुआ है जो हमारी रोशनी को फैला कर देता है, रात में हमें देखने में आसानी हो। हेडलाइट पे जी, कितने वोल्ट के बल्ब होते हैं इसमें? 12 वोल्ट के। 12 वोल्ट के, बैटरी कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट की। और इसके नंबर प्लेट हमारी रेड नंबर, येलो नंबर प्लेट है जिसपे ब्लैक नंबर डले हुए हैं, ये कॉमर्शियल वाहन के लिए अप्लाई होती है। कॉमर्शियल जी। और आपको एक वो बैकग्राउंड दे देता हूँ टायर के बारे में, ये हमारा इसका टायर है, ये टीड है, ये बिड है, बिड है जी, और ये रिंग पिन है, रिंग पिन, ये स्टड है, और ये हब है। अच्छा, ये रिंग पिन क्यों लगाते हैं इसमें? रिंग पिन रिम को जॉइंट करने के, रिम को टायर में जॉइंट के लिए नहीं, अब ये क्या है कि टायर को लॉक करने के काम करने के लिए, कि टायर बाहर नहीं आ जाओ चलते, है ना? बिल्कुल, ये स्टड हो गया इसके, ये स्टड है, ये है ना। और सर ये जो ये एक जगह फिक्स है तो इसका मतलब ये ट्यूब वाले टायर है, और जो ये फ्लेक्सीबल है तो समझो ये ट्यूबलेस टायर है, जिसमें 24 नंबर का रिंग पाना लगेगा जी, 24 नंबर के वोल्ट जी, और ये क्या है? ये लगा हुआ है, ये हमारा डीजल टैंक है, और इससे जो डीजल वाटर सेपरेटर के थ्रू इंजन ऑयल उसमें जाएगा पानी, ये हमारा जो इसमें कुछ भी फ्लूड आएगा ना उसे गंदगी रोकने के लिए वाटर सेपरेटर टैंक लगाया जाता है। इसको वाटर सेपरेटर क्यों बोलते हैं पता है? तो पानी को सेपरेट करने के लिए, पानी नीचे रह जाता है और डीजल ऊपर चला जाता है, ऊपर से निकल जाता है। ये हमारा पीछे वाला टायर है, रियर एक्सल, और इसके अंदर ये लीफ स्प्रिंग लगी हुई है जी। लीफ स्प्रिंग में तीन प्रकार के तीन वो होते हैं बोल्ट, जिसे हमें सेंटर बोल्ट बोलते हैं, और एक हमारा सकल पिन लगी हुई होती है, और यू बोल्ट, यू जॉइंट ठीक है जी। और पीछे आ जाइए एक बार, ये हमारी टेल लाइट लगी हुई है, ये हमें इंडिकेट करती है इंडिकेटर लाइट, और ये बैक लाइट है, ब्रेक लाइट और बैक टेल लाइट में है जी। ये चार लाइट ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। और कुछ मैं आपको बताता हूँ बैटरी के बारे में, ये बैटरी है 12 वोल्ट की, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव हमेशा बॉडी से टच रहता है अर्थ बनाने के लिए, और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, सेल्फ से कनेक्ट होता है, सोलेनाइट स्विच पे लगा हुआ है, सोलेनाइट स्विच पे कनेक्ट रहता है। और साइलेंसर के बारे, ये हमारा साइलेंसर है, ये मफलर है बीच में, इसी के अंदर कैटलिक कन्वर्टर है जो नए BS6 मॉडल में दिया गया है, और उसी से पीछे जुड़ा हुआ होता है हमारा ये मैनिफोल्ड से, मैनिफोल्ड के आगे लगा हुआ है टर्बोचार्जर, जो आने वाले धुएं को, ज्यादा से ज्यादा धुएं को कम में बाहर निकाल के, और उसकी पावर बनाता है उस धुएं से भी, इंजन की कैपेसिटी बनाता है जी, इंजन की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। ये हमारे साइड मिरर है, ओवरऑल हो चुका है सर, थैंक यू सो मच, ओके।